तो भाई सैमसंग ने अपना नया मॉन्स्टर मोबाइल लॉन्च कर दिया है। ये है सैमसंग का गैलेक्सी M34। और जो ये M34 है, इसमें M का मतलब होता है मॉन्स्टर। इनकी M सीरीज है, A सीरीज है, F सीरीज है, और जो इसकी फ्लैगशिप है वो S सीरीज है। और भाई सैमसंग ने अब तक सबसे ज्यादा मोबाइल अगर किसी सीरीज के बेची है ना, तो वो M सीरीज ही है। सबसे ज्यादा मोबाइल बिके भाई M सीरीज के, क्योंकि भाई देखो बजट फ्रेंडली होते हैं, कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के अंडर में आ जाते हैं बढ़िया फीचर्स के साथ, तो इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं भाई सैमसंग पे। ट्रस्ट भी है लोगों का, तो अगर 15,000, 20,000 रुपए खर्च करते हैं तो भाई वो सैमसंग की तरफ जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई, ए सीरीज के ऊपर जाएंगे। ए सीरीज थोड़ी मैं कहूंगा महंगी हो जाती है, तो भाई एम सीरीज के ऊपर ही जाते हैं। और भाई M34 लॉन्च किया है, और ये अंडर 20,000 रुपए के इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो आज इसी मोबाइल के बारे में बात करेंगे, कैसे है, कैसा नहीं है, कैसी इसकी डिस्प्ले है, कैसा प्रोसेसर है, कैसी बैटरी है, पूरी डिटेल में बात करेंगे आप लोगों के साथ। पूरी बिल्कुल हर चीज इसकी क्या अच्छा है लेने लायक। 20,000 रुपये अगर आपके पास है तो क्या आप लोग ले सकते हो, जा सकते हो इस मोबाइल के ऊपर या नहीं, पैसा वेस्ट हो जाएगा, जो भी है मतलब पूरा खुल के बात करेंगे भाई आप लोगों के साथ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना भाई, बने रहना वीडियो में एंड तक। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करो इसके कलर की, तो भाई दो कलर में आता है। जो इसका पहला कलर है वो है सिल्वर, और जो इसका दूसरा कलर है वो है ब्लू। स्टोरेज की बात करूं तो दो वेरिएंट में आता है। पहला जो इसका वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, वो है 6GB रैम और 128GB रोम। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB रोम। मतलब रैम तो आप लोग 6GB और 8GB ले सकते हो, दो ऑप्शन मिलते हैं, बट स्टोरेज के लिए, रोम के लिए इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है 128GB का। और भाई LPDDR4X की रैम मिल जाती है, U.2.2 का स्टोरेज मिल जाता है इसमें। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो भाई इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और भाई 1000 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है इसमें। और एक और चीज जो एडवांटेज कहूंगा मैं इस मोबाइल के लिए, इसमें भाई आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो इस रेंज में मैं कहूंगा एक अच्छी चीज है। भाई बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो भाई इसमें इन लोगों ने अपना ही सैमसंग का ही प्रोसेसर दिया है, जो कि है एक्सिनोस का 1280, जो कि एक 5nm बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें इसके अंतुतु स्कोर की, तो भाई 4 लाख प्लस में इसका अंतुतु स्कोर मिल जाता है आप लोगों को। और यही प्रोसेसर इन लोगों ने M33 में भी दिया था। भाई M34 तो उसका सक्सेसर है, इसमें भी इन लोगों ने सेम ही चिपका दिया है, बट ठीक है प्रोसेसर में एवरेज ही कहूंगा भाई, ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा इसके प्रोसेसर को, क्योंकि भाई उस टाइप का प्रोसेसर है नहीं है। बट प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूंगा देखो नॉर्मल प्रोसेसर, ज्यादा हैवी गेम तो आप लोग नहीं खेल पाओगे। और स्नैपड्रैगन का 695 है, मैं कहूंगा उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उससे थोड़ा एवरेज ही कहूंगा मैं, बट हाँ उसी रेंज में कहूंगा कि हाँ उसी रेंज में प्रोसेसर आता है इसका। और भाई इसके कैमरे की बात करें, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इन लोगों ने दिया है इसमें। जो इसका मेन कैमरा है वो है 50MP का, जो कि OIS के साथ आता है। इसकी एक और एडवांटेज, 20,000 रुपए से कम में आप लोगों को OIS का सपोर्ट मिल रहा है कैमरे में। और भाई 8MP का इसमें आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, जो कि दूसरा कैमरा है इसका। बात करें तीसरे कैमरे की, तो 2MP का आपको मैक्रो मिल जाता है इसमें। बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो भाई इसके रियर कैमरे से आप लोग 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अप टू 30fps। मतलब समझ रहे हो, 20,000 रुपए से कम के मोबाइल में आप लोग 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही एक अभी थोड़े दिन पहले एक मोबाइल लॉन्च हुआ था, उससे 30,000 का फोन है, 200MP दिया है भाई इसमें, बट उससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाह रे वाह, इसीलिए मुझे सैमसंग के कैमरे ना अच्छे लगते हैं पहले से। और भाई बात करें इसकी UI की, तो इसमें One UI 5.1 मिल जाता है, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। और भाई एक सबसे बड़ी एडवांटेज इस मोबाइल की मैं कहूंगा, इनका कहना है कि 4 साल तक तो सारे एंड्रॉइड अपडेट देंगे मेजर, और 5 साल तक सारे सिक्योरिटी अपडेट देंगे। मतलब कि 13 आपको मिल रहा है, 14, 15, 16 और 17, मतलब 4 से 5 साल आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं इस मोबाइल को। 5 साल भी अगर आप लोग यूज करोगे ना, तो भी पुराना नहीं होगा इसका OS। भाई बैटरी की बात करें, तो इसमें आप लोगों को बैटरी 6000mAh की मिल जाती है, 6000 की बड़ी बैटरी, बिल्कुल मतलब ट्रक का बैटरी रख दिया लाके इसमें। और भाई फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 25W सपोर्ट करता है भाई। चार्जर नहीं देंगे लोग बॉक्स में इसके साथ, तो चार्जर आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। और भाई Type-C to Type-C इसमें डेटा केबल मिल जाता है, तो आप लोगों को चार्जर भी Type-C वाला ही खरीदना पड़ेगा। 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, और भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, या तो 2 सिम डाल सकते हो आप लोग, या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है भाई इसमें। और भाई वॉइस फोकस फीचर मिल जाता है इसमें। इसका क्या है कि जो अगर आप लोग बात कर रहे हो किसी से, तो जो आसपास की सारी साउंड होगी ना, उसको बिल्कुल मिनिमम कर देता है, मतलब फोकस रहेगा आप ही की आवाज पे बस ही। और भाई आप लोगों को पता है सैमसंग में कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बिना सामने वाले को बताए आप लोग उसकी कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि भाई अपना डायलर देता है, गूगल डायलर नहीं देता अपने मोबाइल्स में। एक छोटी सी जो मुझे ड्रॉबैक लगी इसमें, इन लोगों ने मोनो स्पीकर दिया इसमें, सिंगल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते इसमें आपको। बट आप लोग अगर हेडफोन लगा के इसमें सुनोगे वायर्ड के साथ, तो आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा। और भाई 12 5G बैंड मिल जाते हैं इसमें, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। और भाई बात करें अगर इसके प्राइस की, तो जो इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस है 18,999 रुपये। वही बात करें 8GB 128GB वाला वेरिएंट की, तो भाई उसका प्राइस है 20,999 रुपये।
मतलब वही मान के चलो 21,000 रुपए। तो अगर हम 6 GB और 128 GB वाला वेरियंट भी लेते हैं तो भाई कितने का पड़ रहा है, 19,000 का पड़ रहा है। उसमें आप 1500 से 2000 रुपए का एक चार्जर मान के चलो, तो हो गया ना वो भी 21,000 रुपए। तो जो इसका 6 GB का वेरियंट है वो भी आप लोगों को 21,000 रुपए का पड़ेगा। कुछ भी लिख के दे दे भाई, चार्जर तुम लोग दे नहीं रहे हो, रेट तुम चाहे कितने भी कर दो, 2000 तो एक्स्ट्रा देखो लगाने ही पड़ेंगे ना, 1500 से 2000 तो लगाने ही पड़ेंगे आप लोगों को इसके लिए। उसको ये लोग काउंट करते नहीं है। बट भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो कैमरा अच्छा है इसका, डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है भाई, बहुत अच्छी कहूंगा डिस्प्ले तो मैं इसको। परफॉर्मेंस में थोड़ी सी एवरेज ही कहूंगा भाई, ज्यादा अच्छी भी नहीं कहूंगा और बेकार भी नहीं कहूंगा, एवरेज कहूंगा। देखो भाई बैटरी एडवांटेज है, 6000 mAh की मिल रही है। चार्जर भी बाहर से खरीदना पड़ेगा बट 25 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो दो दिन आप लोग डेढ़ से दो दिन आराम से यूज कर लोगे बैटरी को। और भाई चार्जिंग में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने के लिए। तो अगर मैं इसकी पॉजिटिव चीज़ों की बात करूं तो भाई डिस्प्ले, कैमरा दोनों ही चीज़ अच्छी है, बैटरी वो अच्छी है, और भाई UI मतलब 4 साल तक मेजर अपडेट दे रहा है वो इसके, मतलब 4 साल तक ही एंड्रॉइड की अपडेट दे रहा है सारे। और 5 साल तक सिक्योरिटी, मतलब 5 साल मान के चलो यूज कर सकते हो, अगर चलता है इसका हार्डवेयर तो भाई 5 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं उसको, मतलब 4 साल के बाद भी आप लोगों को नया एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएगा इसमें। भाई 20,000 के हिसाब से चलो बहुत अच्छी चीज़ें दी है सारी। बस एक थोड़ा मैं कहूँगा प्रोसेसर थोड़ा सा और अगर ये बढ़ा देते, बट ठीक है यार रेंज के हिसाब से ठीक है भाई। अगर आप लोग को एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए ना जिसका कैमरा भी अच्छा हो, डिस्प्ले भी अच्छी हो और थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हो आप, बैटरी बड़ी हो, तो भाई आप लोग आराम से जा सकते हो इस मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा इसके ऊपर जा करके। और भाई कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया सैमसंग ने इसके मुझे तारीफ करने का, कुछ भी जो भी फीचर्स है जो भी स्पेसिफिकेशन है इसके वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो अगर मेरी पर्सनल राय है 20,000 रुपये में अगर मुझे फ़ोन खरीदना हो तो भाई मैं जाऊँगा इस मोबाइल के ऊपर, डेफिनेटली जाऊँगा। बाकी आप लोगों की जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो बस भाई वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी अब लगी आप लोगों को वीडियो। जो भी आप लोगों का फीडबैक है मुझे लेकर के, वीडियो को लेकर के, इस मोबाइल को लेकर के, नेगेटिव पॉजिटिव जो आप लोगों का फीडबैक है प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।